सो है व्हाट्स अप गाइस, वी आर बैक। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले, अबे यार सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ईयरफोन लगा लो, क्योंकि आगे क्या बकचोदी होने वाली है वो मेरे को खुद नहीं पता। सो दैट्स वाई आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पता नहीं फैमिली के साथ बैठे हो, कहाँ पे देख बैठे हो, कहाँ पे देख बैठ के देख रहे हो। सो इसलिए ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ कि बैकग्राउंड में अपन लोगों ने 1v1 रखा है, ताकि आप लोगों का थोड़ा भरपूर इंटरटेनमेंट होता रहेगा। और पीछे जो है बैकग्राउंड वॉइस तो आप लोग सुन ही रहे हो, मतलब मस्त पंखियों की आवाज़ आ रही है। अब देखो कंप्यूटर टाइटल चाहिए ना, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है ना। तो पहले जो है यहाँ से आप लोगों को ईजिली समझाऊँगा, और आपका मोटिवेशन ना मतलब 10 से ना 100 पे चला जाएगा बस इसको देखने के बाद। सो देखो डुओस कोड या सोलो जिसमें भी आप लोगों को कंप्यूटर चाहिए मिलेगा, लेकिन ये भूल जाओ कि TPP में ठीक है, अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टाइटल प्लस फ्रेम्स से मतलब है, तो आप लोग जो है इसको भूल जाओ, TPP भूल जाओ, FPP पे आ जाओ। क्योंकि FPP में देखो अपन लोग स्कोर को देखते हैं, FPP में स्कोर सिर्फ 5000 गया है और सीज़न एंड हो गया, ठीक है सीज़न एंड हो गया और सिर्फ 5000 गया है 100 वाला बंदा, तो समझ लो कि 48 होगा, 48 या 47000 कितना बोलते हैं उसको, 4700 ऐसा बोलते हैं ना, हाँ इंग्लिश में। अब भाई यार अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है। सो 4700 ओके। अब देखो अभी अपन लोग जो है TPP देखते हैं, TPP कितना हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अभी वापस FPP आते हैं। अब मैं आप लोग को जो है डुओ दिखाता हूँ। देखो डुओ अपना कितने पे है, डुओ अपना रहेगा एक नंबर जो अपना 5000 पे करीब है, और बाकी का 4400। सीज़न एंड हो गया और ये लोग अभी मतलब एश अपने को 4200 पे मिलता है, और 2 स्टार अपने को लग जाते हैं कितने पे लगते हैं, 4400 पे ठीक है। और अगर सोलो का दिखे तो सोलो का जो है वो 4300 पे। सो ऑलमोस्ट एस 1 स्टार, एस 2 स्टार और एस 3 स्टार स्कोर इतने में अटका हुआ है, नहीं स्कोर मतलब एस 6 स्टार पे अटका हुआ है, और बाकी जो है डुओ सोलो वो दोनों अटका हुआ है एस 1 स्टार और एस 2 स्टार पे ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग FPP अगर समझ लो फर्स्ट दिन से खेलते हो और सीज़न के एंड तक अगर आप लोग सिर्फ 200 मैच खेलते हो, समझ लो 200 मैच, उसमें से आप लोग सिर्फ 20 चिकन निकालते हो, यार 15 निकाल लो, समझ लो 15 चिकन निकाल लो, बाकी के मैचेस में आप लोग समझ लो 110 टॉप 10 कर लिया, 110 सिर्फ, अबे फिर भी कंक्वेरर टाइटल मिल जाएगा, इतना ईजी है। तो FPP में जाओ, उधर जाओ क्या बोलते हैं मीरामार सिलेक्ट कर लो, ऐसा तो 3 दिन के अंदर चाहिए तो 3 दिन के अंदर मिलेगा, 2 दिन के अंदर चाहिए तो 2 दिन के अंदर मिलेगा, 1 वीक के अंदर चाहिए तो 1 वीक के अंदर मिल जाएगा, जितना टाइम आप लोगों को चाहिए उतने टाइम में आप लोगों को FPP में कंक्वेरर मिल जाएगा, बस अगर कंक्वेरर टाइटल से मतलब है तो। तो मैंने जो है आप लोगों को वादा किया था कि सबको कंक्वेरर टाइटल मिलेगा, ये तो कन्फर्म करवा दिया था, तो उसी के लिए जो देखो पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बता दिया मैंने आप लोगों को। यही चीज़ अगर आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड TPP में करोगे ना, तो भाई लग जाएंगे, समझ लो क्या बोल रहा हूँ, सब लग जाएंगे, क्योंकि स्क्वाड में तो सिर्फ पहले 3 दिन ही ऐसे होते हैं जिधर आप लोगों ने कर लिया तो कर लिया, 3 से मतलब समझ लो फर्स्ट वीक 1 वीक रख लेते, चलो थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देता हूँ तो 1 वीक रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करोगे भाई, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि स्कोर में तो 1 स्टार 2 स्टार 3 4 5 6 7 8 9 25 स्टार तक चले जाएंगे भाई, और उसके बाद लगेंगे क्या, 25 स्टार लगता है क्या, ऐसे कोई हलवा थोड़ी है जो खा लिया बे, है ना। और डुओ में फिर भी हो जाता है, लेकिन डुओ में भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनल सर्कल में बहुत ज़्यादा बंदे अलाए रहता, वही चीज़ सोलो में भी है, तो जिसके पास लो एंड डिवाइस है, मिड रेंज डिवाइस है, प्लस जिसके पास हैक नहीं है, हाँ उसको तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो जो भी बंदा TPP मतलब TPP की बात करूँ ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अभी की बाद में बात किया मैं, वो तो TPP में आप लोग भूल जाओ, FPP में आप लोग सीजन के पहले दिन से लास्ट तक बस खेल लो, आप लोग ईजिली कॉन्क्वेरर मिल जाएगा। बट अगर आप लोग जो है TPP में लेना चाहते हो, तो भाई पहले वीक में ले लो, बाकी बाद में तो भाई कॉन्क्वेरर भूल जाओ, बस मज़े करो खेलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने दिन रात लगा लिए थे, फर्स्ट वीक छोड़ दिया और फर्स्ट वीक में बस खेला ही नहीं स्कोर, उसके बाद स्कोर में खेलना स्टार्ट किया और कुछ 6-7 दिन में ऐश हो गया,
ठीक है, वो भी पुश भी नहीं कर रहा था, मैं ऐसे ही एश हो गया 60 मैचेस के अंदर। उसके बाद अंदर मन में जग गई भाई एक उम्मीद जग गई कि चलो कोंक्यूर खेलते हैं। तो कोंक्यूर के लिए बैठ गए, दिन रात खेलने लगे, खेलने लगे, खेलने के लिए एक आध वीक तक खेले, फुल खेले भाई, 13 स्टार लगा लिए। और उसके बाद जो है हम लोग को 3 स्टार चाहिए थे, लेकिन फिर तो भाई फटके 64 हो गई। पता चल गया कि यहाँ पर तो साले सब चूतिए बैठे हुए, सबके सब ESP हैकिंग ले के बैठे हुए, सबके पास ESP हैक, सबके पास हर गेम में जाओ ESP हैक, और एक ESP वाले को मार तो दूसरा बंदा आ जाता है ना। तो अपडेट के बाद शायद ये ESP हैकर्स बैन हो जाएंगे, प्लस ये क्या बोलते हैं, बहुत लौंडो के तो बैन हो भी हो चुके हैं। और 3 दिन के अंदर देखो, अगर TPP में करना है तो 3 दिन के अंदर कर लो, भले ही थोड़े पेड एकर्स मिलेंगे, लेकिन मीरामार खेलो, ठीक है, मीरामार खेलो, सबसे बेस्ट है मीरामार, सबसे बेस्ट। देखो ना हैकर्स कमाएंगे, क्योंकि हैकर्स सीरेंगल में सबकी मारते हैं, और मीरामार में कोई ज़्यादा बंदे आता नहीं है, तो बोट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, 50% बोट होते हैं, 50% बंदे बेचते हैं। कभी कभार मतलब जैसे जैसे आगे जाओगे तो रैंक पुशर लो भी मिलेगी, बट इतनी नहीं, एज तक तो कुछ नहीं मिलेगा, एज 6-7 स्टार तक तो कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद थोड़े रैंक पुशर मिल सकते हैं, बट अपने को तो 3 दिन में एश कर लेना है, तो 3 दिन में कॉन्क्यूरर मिल जाएगा ना, FPP TPP किसी में भी करो, 3 दिन के अंदर कॉन्क्यूरर कर लेते हो, एश कर लेते हो, तो आप लोगों को सीधा कॉन्क्यूरर टाइटल मिल जाता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखो, अगर कॉन्क्यूरर टाइटल चाहिए तो 3 दिन के अंदर करो TPP में, और अगर सिर्फ कॉन्क्यूरर टाइटल प्लस फ्रेम चाहिए, ठीक है, मतलब मज़े के लिए, और ज़्यादा खेलना भी नहीं है, तो FPP खेलते रहो बस, FPP के 200 मैच खेल दो मज़े से, और जो है माइनस मत लगवाना, ज़्यादातर गेम्स को टॉप 10 निकालना है, सो मतलब बोल दिया भाई ने तो ऐसा ही नहीं है, ज़्यादातर गेम्स को टॉप 10 निकालना है, ईजिली कॉन्क्यूरर टाइटल मिलेगा, गारंटी ले रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा गारंटी ले रहा हूँ, पक्का गारंटी है। सो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ, बाकी बैकग्राउंड का तो मज़े ले रहे हो ना आप लोग, मतलब मज़ा आ रहा है ना बैकग्राउंड जो चीज़ें चल रही है, 1v1 TDM देखो कैसे पेल रहा हूँ, खुद भी पेला था इसने भी मेरे को, तो यार बदला तो लेना पड़ता है अगर कुछ सीखना है तो, मतलब ये एक प्रैक्टिस है, कोई ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें नहीं, और मैं तो यार भाई नू बताऊँ बस कभी कभी मार देता हूँ। सो यही चीज़ था, पूरा चीज़ मैंने बता दिया, अगर पसंद है ना तो लाइक कर देना, और अभी भाई सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के निकल लिया, ठीक है, तो भाई को जो है थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपका ही फायदा है, और चैनल पर नए हो तो पता ही है रिवाज क्या है अपना, सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ नहीं, और वीडियो को लाइक करना है बस, ऑल पे सेट कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो भाई, एक तो यूट्यूब वाले वैसे ही नोटिफिकेशन भेज नहीं रहे, प्लस आप लोग भी यार इतनी जो है अब ऑल पे सेट नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आती है ना। सो गाइस यही था वीडियो के अंदर, बैकग्राउंड गेम प्ले को इन्जॉय करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में करो, अगर रैंक पुश साथ में करना चाहते हो तो भाई भेज दो रिक्वेस्ट, अपन कह रहेंगे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सीजन साथ में करेंगे, वैसे भी TPP और FPP दोनों में लेने वाले। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बाय।